बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं आपके। लो जी, आज चैप्टर नंबर 5 करने लगे हैं। इसके स्मार्ट सिलेबस के सवाल हैं और इसमें से हम गैस पेपर या गैस वर्क निकालने की कोशिश करने लगे हैं कि जो हमें लगता है कि ये बहुत अहम सवाल हैं जो बिल्कुल ज़रूर हमें आने चाहिए, तो वो हम देखते हैं। तो ये आपका चैप्टर है सेट्स और फंक्शंस। ओके, ये ज़ाहिर मैंने डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये अगर आपने सही तरह से अच्छी तरह पढ़ना है तो मेरी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो ज़रा ज़रूर देखें, और अगर ज़ाहिर सिर्फ गैस वर्क देना है तो आप ये वीडियो, इससे ही काम चल जाएगा आपका। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 जो है उसमें देखें बेसिक सी चीज़ें हैं। शुरू में तो यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन में चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं और इंटरसेक्शन में जो चीज़ें दोनों सेटों के अंदर हों वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक सवाल है जो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू जो है, यू होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट। तो देखें इसमें यू लिखा हुआ है और यू के सेट को उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ज़ाहिर है यूनिवर्सल सेट को लिखने की एक शक्ल है। इसमें मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि ये एन है, नेचुरल नंबर्स होंगे, कुदरती अदाद, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे होती है कि हमारा जो एक्स है, हमारा जो नंबर होगा वो 25 से छोटा और उसके बराबर है, और ग्रेटर दैन 3 है, 3 से बड़ा और 25 के बराबर। तो 3 से बड़ा 4 होता है, तो 4, 5, 6 ऐसे लिखते जाएंगे और 25 को भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि उसने ये देखें नीचे एक छोटी लाइन लगाई होती है। तो यूनिवर्सल सेट को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसने एक्स की भी फॉर्म देखें इसी तरह से दी हुई है। इसमें भी आपने ये इसको पहले देख लेना, ये पी है, पी होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, डिवाइड होते हैं, किसी और पे नहीं आते। तो और वो साथ कंडीशन ये है कि वो 8 से लेके 25 के दरमियान हो। तो 8 से आगे देखें तो 11 बनता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 13, 17, 19, 23 तक, क्योंकि 25 से नीचे रहना है। तो ये हम x के एलिमेंट लिख लेंगे। फिर y के भी उसने इसी तरह से लिखा हुआ है, और ये w है, होल नंबर, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट लेते हैं, और 4 से लेके 17 तक, 4 भी शामिल, 17 भी शामिल, क्योंकि ये नीचे एक एक लाइन लगी हुई है। तो 4 से लेके 17 तक ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। अब ये मेन काम था करने का, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है तो ये पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसने ये पूछा हुआ है कि एक्स और वाई का यूनियन लें, पहले यूनाइट करें, इकट्ठा करें, और फिर उसका डैश लें, कॉम्प्लीमेंट लें। तो यूनियन आपको पता है, ऐसे लिखते हैं यू, और ये हमारा एक्स आ गया, ये हमारा वाई आ गया, बीच में यू आ गया। तो इनको यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। तो ये देखें, ये 4 से लेकर 17 तक तो एलिमेंट ये सारे ही हैं, तो 11, 13, 17 ये तीनों तो उस रेंज के अंदर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या है, 19 और 23। तो 4 से लेके हमने ये सारा 17 तक लिख लेना है, और उसके आगे 19 और 23 को लिख देंगे, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। अब इसका लेना है डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का बुनियादी रूल मैंने बताया हुआ है कि यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कराते हैं जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यूनिवर्सल सेट ये लिखा, माइनस आगे ये एक्स यूनियन वाई इसको लिख लिया। अब माइनस का मतलब ये होता है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो 4, 5, 6, 17, ये 17 तक तो ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पे, तो ये 4, 5, 6, 17 तक वो सारे कट जाएंगे। अब 17 से आगे उसने 25 तक जाना है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 19 और 23 है। तो 19 और 23 कट के बाकी जो यहाँ पर रह जाएंगे वो लिखेंगे। बस 17 के बाद क्या आता है, 18 इधर नहीं था ना, तो 18 रह जाएगा, 19 इधर भी है, इधर भी है, कट जाएगा। फिर 20 रह जाएगा, फिर 21, 22 और 23 फिर कट गया, क्योंकि 23 इधर है, इधर भी है, वो कट जाना है। और फिर 24 और 25, यहाँ 25 तक एंड हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रा तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसमें से अहम है, 5.1 का। इसमें उसने कहा है कि ए सेट जो है आपके पास वो नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती अदाद, 1, 2, 3, 4 वो लिख लेंगे हम। ए जो है वो 1, 2, 3 है। बी जो है वो होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। फिर ए माइनस बी उसने मालूम करने के लिए कहा है, तो ज़ाहिर है पहले ए को लिखेंगे, माइनस आगे बी को लिख देंगे, और दोनों को माइनस करवा देंगे। और वो जो माइनस का मतलब फिर वही है, जो एक जैसे हैं वो काटते जाएं, इसमें 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सारे कट जाएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स कट जाने हैं इनके साथ, तो ए में अब कुछ बाकी नहीं बचा, तो वो खाली सेट आएगा आंसर। लेकिन जब इसी का आपने बी माइनस ए करना है, तो बी पहले आएगा, और बी में 0 है,
और ए ने आगे आना है, तो फिर सारे कट जाएंगे लेकिन जीरो रह जाएगा, तो बी माइनस ए में आंसर जीरो आना है। तो ये दोनों में फर्क है, ए माइनस बी एम्प्टी सेट आता है और बी माइनस ए में जीरो आता है। तो ये दो सवाल 5.1 के बनते हैं। आगे चलते हैं 5.2 पे। ये 5.2 है, 5.2 में इंपॉर्टेंट मेरा नहीं ख्याल कोई है, क्योंकि ये वही यूनियन और इंटरसेक्शन की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो ये वैसे भी अगर आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। यूनियन में इकट्ठा करना है, इंटरसेक्शन में जो एक जैसे हैं वो लिख देने हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, डिमार्गन का कानून, 4 नंबर का तकरीबन मस्ट होता है ये सवाल। और मज़े की बात ये है कि उसने सिर्फ इसी को स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ है, तो मतलब ये कि ये तो फिर तकरीबन चांस हो गए 100% आने के। तो इसको आप अच्छी तरह से इस सवाल की प्रैक्टिस कर लें, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, ए दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, और बी जो है वो 2, 3, 5, 7 है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब डिमार्गन का कानून है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को देख लेना कि इसमें क्या चीज़ है। ए इंटरसेक्शन बी है पहले ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले हल करते हैं। तो ए और बी का हम तकाते या इंटरसेक्शन लेने लगे हैं, तो ए लिखा बी लिखा, अंदर इंटरसेक्शन की अलामत लगाई। अब वही बात जो कॉमन है दोनों में, 3 भी आ रहा है दोनों में, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3, 5, 7 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर हमें इसका डैश चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यूनिवर्सल में से उसको माइनस। तो यूनिवर्सल सेट ये सारा लिखा है 1 से लेकर 10 तक, और ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है 3, 5, 7 वो लिख लिया। अब 3, 5, 7 इधर से कट जाएगा, तो 3, 5, 7 के अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं वो लिख लेंगे, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब हमने राइट हैंड साइड पे आना है, तो राइट हैंड साइड में जब आएंगे तो इसमें पहले ए डैश है फिर बी डैश है, तो ए डैश के लिए वही रूल, यूनिवर्सल में से ए को माइनस, ये यूनिवर्सल लिखा माइनस ए लिखा, और जो एक जैसे सारे वो काट दिए, जो बाकी बच जाएंगे इधर वो हम लिख लेंगे। क्योंकि देखें 1 कट गया ना तो 1 नहीं आया, फिर 2 नहीं कटा ना तो 2 आ गया, इस तरह से जो नहीं कटते वो लिखते जाते हैं, और यही चीज बी डैश पे कर दें आप, ठीक है। बी डैश यू माइनस बी, यू माइनस बी, फिर वही जो बाकी बच गए वो लिख लिए, और फिर उन दोनों का यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश जो आंसर आया, जो बी डैश आंसर आया, दोनों के दरमियान यूनियन, और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, तरतीब लगा दें, 1, 2, 3 नहीं है तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 भी है, फिर 10 भी है, तो ऐसे तरतीब से लिख दें उसे, और जब लिख लेंगे तो वो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे करके लिख दें उसे। तो ये डिमार्गन का सवाल बहुत अहम है, इसको ज़रूर करें। अच्छा जी, अब 5.3 पर चलते हैं। लो जी, अब आ गई 5.3 एक्सरसाइज, इसमें देखते हैं कौन से हमारे अहम सवाल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने निशान लगाया था इसमें जो है क्या इसको कहते हैं, वेन डायग्राम, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पेपर में नहीं आती, छोड़ दें। सो 5.3 में कुछ नहीं है, ठीक है, लीव इट इसे। उसके बाद ये 5.4 है, और इसमें कुछ अहम सवाल हैं हमारे, मसलन ये जो पहला सवाल है तो बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये आ सकता है पेपर में, कि ए सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए और बी, और बी सेट के भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सी एंड डी। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड करें। तो क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं होता, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। एक रुकन हमने ए से ले लेना है और एक रुकन बी से ले लेना है। अगर ये ए ज़रा बी, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो ए पहले है, तो ए का रुकन पहले लेना है, ए का एलिमेंट पहले लेना है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मसलन ए के अंदर स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए को लें और सी के साथ एक पेयर बना दें, ए को लें डी के साथ पेयर बना दें, बी के साथ सी को, फिर बी के साथ डी को, ये उसके 4 पेयर्स बन जाएंगे। इसी तरह जब बी क्रॉस ए करना है तो बी पहले है ना, तो बी के अब एलिमेंट्स को पहले लेना है, सी के साथ ए, सी के साथ बी, डी के साथ ए, डी के साथ बी, ऐसे करके ये बना देने होते हैं। तो ये बस ये काम है। तो ये पहला क्वेश्चन अहम था, मैंने कहा ये बता दूं आप लोगों को। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है, हाँ इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये वाले हैं, जिसमें कहता है फाइंड ए एंड बी।
अब उसने क्या करना होता है, दो पेयर होते हैं, एक पेयर ये वाला ठीक है और एक पेयर ये वाला, एक जोड़ा इधर है एक जोड़ा इधर है और ये दोनों बराबर है। तो बराबर होने का मतलब क्या है कि इसका जो पहला रुकन है इसके पहले रुकन के बराबर होगा। तो a माइनस चार ने बराबर होना दो के, a माइनस चार बराबर दो। तो यहाँ से देखें एक इक्वेशन बन जाती है मसावात, माइनस चार को उठाएं उधर ले जाएं, जमा का चार, दो और चार मिलके छः हो जाएगा। तो a की a का आंसर हमें मिल जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरा रुकन है b माइनस टू, उसको दूसरे के बराबर रखें, b माइनस टू बराबर है वन के, ठीक है। तो वहाँ से भी जब वन के बराबर रखेंगे तो माइनस टू उठ के उधर गया, प्लस का टू और दो और एक तीन बन गए, तीन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान सवाल लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर आता है पेपर में, लेकिन इसके दो और भी हैं इसी तरह के, तो कोई भी आ सकता है इनमें से, तो ये भी कर लें। तो ये पहला रुकन बराबर सेवन, लिखें उसको सेवन के इक्वल, प्लस फाइव उधर गया तो माइनस हो जाएगा, सात में से पाँच निकाल दें दो और ये दो जाके डिवाइड कराना है, वन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एलिमेंट तीन, इसके बराबर है b माइनस चार के, तीन बराबर b माइनस चार, माइनस चार इधर लाएं प्लस का, तो ये सेवन हो जाएगा। तो ये भी आंसर्स आ गए। और इसका एक और सवाल भी है बिल्कुल इसी तरह का, वो भी ज़रूर कर लें, ये वाला सेम चीज़। पहला रुकन ये थ्री माइनस टू ए, किसके बराबर a माइनस सेवन के, लिख लें। अब इसमें दो दफ़ा है a, इधर भी है इधर भी है, तो a's एक तरफ कर लें, बारिश हो रही है पीछे, तो a इधर ये आ गया माइनस टू ए है ना, इसको इधर लाएं तो प्लस का टू ए हो जाएगा, फिर ये माइनस सेवन है उधर ले जाएं तो प्लस का सेवन हो जाएगा। तो तीन और सात दस हो जाएगा, दो a और एक a, तीन a हो जाएगा, और तीन a जो है वो तीन है, a को अकेला करना है, तीन को उठा के उधर ले जाएं और टेन ओवर थ्री, इधर मल्टीप्लाई है ना उधर जाके डिवाइड होगा। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड के बराबर रखेंगे, b माइनस वन इज इक्वल टू इसके, अब यहाँ से भी b अकेले करने हैं, ठीक है, 2b इधर है, ये b उठाएं इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 उठ के इधर आके माइनस का, माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स, और दो b में से एक b निकाल दें तो सिंगल b, तो b का आंसर आ गया और ये a का आंसर आ गया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सवाल थे। आगे चलते हैं, फिर ये 5.5 है और 5.5 में उसने क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि L उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तीन और M है उसके अंदर ये चार एलिमेंट हैं। तो हमें कह रहा जी L क्रॉस L मालूम करें, L का L के साथ ही क्रॉस, तो एक और L आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट लेके इसको बारी बारी इन एलिमेंट्स के साथ इनके कम्बिनेशन बनाते जाएंगे, A के साथ A, A के साथ B, A के साथ C, वो ऐसे आपके ये पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा, फिर B के साथ A, B के साथ B, B के साथ C, वो अगले तीन आ जाएंगे, फिर C के साथ ये तीनों, वो अगले तीन आ जाएंगे। तो ऐसे आप L क्रॉस L जो है वो मालूम कर सकते हैं। और इसमें से कहता है कि दो रिलेशंस बना के दें, रिलेशन होता है कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स को आप पकड़ के एक नया सेट बना दें, तो वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब R1 मैं क्या लिख रहा हूँ कि उसमें देखिए मैंने ये एलिमेंट लिखा है और ये वाला, भाई पहले दोनों एलिमेंट्स बस लिख दिए तो वो पहला रिलेशन बन जाएगा। एक और रिलेशन लेना है तो ये कुछ कोई भी ले सकते हैं, ए सी को ले लिया है, फिर बी बी इसको ले लिया है, फिर ये सी सी इसको ले लिया, पूरे सेट में से जिसको मर्जी उठा के इकट्ठा बना दें, रख दें तो वो एक सेट बना दें, तो वो आपके पास ये रिलेशन बन जाता है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। और इसमें क्या है, बस दैट्स इट, ये चीज़ें हो गई। फिर आपकी ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, ये ज़रा देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में उसने देखें ये सवाल दिया हुआ है कि दर्ज ज़ैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें, ठीक है, और ये तरीफ़ें हैं सारी, ठीक है। तो ये डेफिनेशनें तरीफ़ें जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि भाई ये वाली याद करें पेपर में, तो फिर डेफिनेटली पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो ये तरीफ़ें जो हैं वो ज़रूर याद करें इनको, ठीक है जी। इंग्लिश वाले अपनी इंग्लिश में कर लें, उर्दू वाले में कर लें, ठीक है जी। तो ये है आज का लेक्चर, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।